स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है कि लाइक आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा होगा, लाइन ऑफ रिग्रेशन दे रखी होगी और फिर आपसे पूछेगा कि फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर आपसे पूछे फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब इससे पहले वाले जो वीडियोस में हम क्या करते थे, हमें कोई डेटा दे रखा था उससे हम लोग क्या करते थे, मीन निकालते थे, देन उसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते थे, उसके बाद लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालते थे। यहाँ पे हम उल्टा काम करेंगे, हमें लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स हमें पहचाननी होगी कौन सी है, उसके बाद हम यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे एंड देन कुछ यहाँ पे लाइक मीन और वेरिएंस और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है तो वाई बोलेगा और वाई दे रखा है तो एक्स निकालने के लिए बोलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर और मेन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है। सो स्टूडेंट देखिए कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ देखिए, इन ए पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन डेटा द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर एलिजिबल, वेयर वेरियंस ऑफ एक्स आपको दे रखा है 9 और रिग्रेशन इक्वेशन आपको ये दोनों दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दे रखी है। अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब आपको यहाँ क्या निकालना है, एक्स बार एंड वाई बार निकालना है, एक तो ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आपको निकालना है आर। फिर आपसे पूछ रहा है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मतलब आपको निकालना है सिग्मा वाई, ठीक है। सो ये सब वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ जो मैं सीरीज ले रहा हूँ ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के ऊपर ले रहा हूँ और यहाँ पे जो आईटेब आ रहा है मेरे जितने भी पुराने वीडियोज हैं वो यहाँ पे अपलोडेड हैं, जो कोरिलेशन रिग्रेशन इससे पहले मैंने रैंक कोरिलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशंस है देन यहाँ पे जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में जो वीडियोज अपलोडेड हैं प्लस और भी लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी वाले स्टूडेंट्स आईआईटी जेएम बहुत सारी जो मेरी वीडियोस है यहाँ पे अपलोडेड है। तो आप स्टूडेंट्स अगर आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और यहाँ पे आईटी पे जाके भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए कैसे हम निकालते हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझा दूँ कि कभी भी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना यहाँ पे और ये एक्स ऑन वाई इक्वेशन और ये वाई ऑन एक्स इक्वेशन है, तो एक्स ऑन वाई है ना और y on x दो जो इक्वेशन होती है हमारी, ये हमेशा जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो हमारा मीन होता है। क्या होता है, मीन, मतलब इन दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, मीन होता है। और आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था अगर आप वहां पे x की जगह x बार और y की जगह y बार रखोगे तो दोनों इक्वेशन वहां पे क्या करती है, इसको सेटिस्फाई करती है। सो यहाँ पे ये एक्स बार वाई बार अगर इन दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन से पास होता है तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं एट एक्स बार माइनस 10 वाई बार प्लस 66 इज इक्वल टू जीरो और इसको लिखेंगे आप तो 40x बार प्लस माइनस 18 वाई बार और इसको उधर लेंगे 214 इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तो x की वैल्यू यहाँ पे 13 आएगी, y की वैल्यू 17 आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। आपको करना होगा लेकिन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ना, अभी इतना टाइम नहीं कि मैं सॉल्व करके बताऊँ, तो मैं सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू 13 आएगी और y की वैल्यू 13 आएगी तो ये हमारा क्या होगा, मीन ऑफ x एंड y। तो आपका जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या होगा, x बार इज इक्वल टू 13 एंड y बार इज इक्वल टू 17, तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया, राइट। अब बात करते हैं सेकंड का, अब हमें निकालना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट यहां मैं बता दूं कि हमारी जो लाइक लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है वो क्या होती है, मैं देखो ये सब कुछ ज्ञान है जो मैं आपको समझा देता हूं। हमारी जो y ऑन x होती है वो क्या होती है, x ऑन y ले लीजिए पहले, x ऑन y क्या होती है, x माइनस x बार है ना, बी एक्स वाई y माइनस y बार होता है और y ऑन x जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y माइनस y बार बी वाई एक्स x माइनस x बार होता है, जहां पर बी एक्स वाई की वैल्यू होती है r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y और बी वाई एक्स की वैल्यू होती है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। और स्टूडेंट अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, लाइक अगर मैं बात करूं बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा x कैंसिल और सिग्मा y से सिग्मा y कैंसिल, तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू आती है और तो r की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स एंड बी वाई बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स और आगे यहाँ पे प्लस माइनस आता है। यहाँ पे एक बार ध्यान देने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन यहाँ होती है कि अगर बी वाई एक्स एंड बी वाई एक्स दोनों अगर जीरो और जीरो से बड़ा है तो आर भी हमारा जीरो से बड़ा होगा और बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स
दोनों ही जीरो से छोटे हैं या जीरो के बराबर है तो आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो या जीरो होगी, है ना। जीरो से यहाँ पे जीरो से बड़ी होगी इसकी वैल्यू, मतलब पॉजिटिव होगी, है ना। आर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस वाले केस में आर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। या मैं लिख दूं यहाँ पे आर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आप ऐसा लिख दीजिए आर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आर की वैल्यू होती है वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है, पर ये जो रिग्रेशन कॉफिशियंट एक्स ऑन वाई, ये जो होता है इसको हम रिग्रेशन कॉफिशियंट बोलते हैं, इसको और इसको हम रिग्रेशन कॉफिशियंट बोलते हैं। सो ये जो रिग्रेशन कॉफिशियंट एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स अगर दोनों नेगेटिव है और यहाँ रखते हैं हम, तो आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी। दोनों नेगेटिव तो आर की वैल्यू नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव तो आर की वैल्यू पॉजिटिव। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे। तो भैया ऐसा कभी नहीं होगा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो अंडरूट में नेगेटिव आ जाएगा और आर हमारा इमेजिनरी हो जाएगा, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी इक्वेशन पहले देख नहीं, लाइक अगर आपको जैसे इक्वेशन दे दिया जाए ना, ये इक्वेशन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि भैया इन दोनों में से कौन सी एक्स ऑन वाई है और कौन सी वाई ऑन एक्स है, है ना। फिर उसके बाद हम उसका रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे, लाइक इस तरीके से उसको लिख के फिर इसकी और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, फिर हम चेक करेंगे दोनों पॉजिटिव है तो हम आर को पॉजिटिव लिख देंगे अंडर रूट लेके, और दोनों नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होने पर तो पॉजिटिव हो जाएगा, अंडर रूट पॉजिटिव आएगा। बट अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आर को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ये थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक है। सो कैसे करते हैं, इधर देखिए, है ना। तो लाइक ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको थोड़ा हीट एंड ट्रायल वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। लाइक जैसे हम बात करें एट एक्स माइनस टेन वाई प्लस 66 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है दैट इज 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। तो मैं इस इक्वेशन में इसको मैं x ऑन करता हूँ, x ऑन y लिखता हूँ, उसको y ऑन x लिखता हूँ, ऐसा ट्राई करना पड़ेगा आपको, है ना। एक को x ऑन y लिखो, एक को y ऑन x। अब आप बोलोगे x ऑन y कैसे लिखते हैं सर, तो भैया x को इधर रखो, है ना, और बाकी सबको उधर लेके जाओ। बोलो जी सही है। फिर हम क्या करेंगे, इस 8 से डिवाइड करेंगे, तो 18/8 माइनस 66/8, है ना। अब ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, बी एक्स वाई, क्योंकि x इधर है y इधर है, तो ये हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई होगा, इसको लिखेंगे हम 18/8। अब आपने इसको x ऑन y लिखा तो उधर हम y को इधर रखेंगे, लाइक 18y इज इक्वल टू, मैं इसको उधर ले गया, इसको उधर ले आता हूँ, तो 40x माइनस 214 आ जाएगा, है ना। ना वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 40/18x माइनस 214/18। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये किसकी आएगी, बी वाई एक्स की, 40/18। अब मैंने आपको बोला दोनों पॉजिटिव है तो आप r की वैल्यू निकाल दीजिए, r की वैल्यू कितनी आएगी, 18/8, है ना। बोला ना मैंने आपको r का फार्मूला ये होता है, क्या होता है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18/8 और 40/18, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 18/8, है ना, और ये लाइक हमारे पास हो रहा है 18 into 4, तो दैट इज 720, और यहाँ से पहली बात उसको कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना रहा है, 18/8 आ रहा है ना यहाँ पे, तो उसको कैंसिल करो तो ये आएगा 5, है ना, और 5 से 18 से 18 क्या हो रहा है स्टूडेंट, कैंसिल हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, आप चेक कर रहे हो, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो लाइक रूट फाइव आ रहा है, रूट फाइव विच इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो आर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जीरो से, मतलब वन से बहुत बड़ी आ रही है, लाइक वन से बड़ी आ रही है, पर हम जानते हैं कि जो आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, वन और माइनस वन के बीच में होती है ना। मैंने आपको बताया था कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो माइनस वन से वन के बीच में होता है, पर यहाँ पे जो आर की वैल्यू आ रही है वो आर की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंसेप्ट है ये गलत है, मतलब ये एक्स ऑन वाई नहीं होगी और ये y on x नहीं होगी, मतलब आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये हमारी कौन सी होगी, y on x होगी, और ये हमारी कौन सी होगी, x on y होगी। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिवर्स करेंगे ना, तो मतलब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यार कौन सी x on y है, कौन सी y on x है। तो कैसे चेक करेंगे, मैं फिर से बता दूं, आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y निकाला, y on x निकाला, फार्मूले में रखा, अगर r की वैल्यू 1 से कम आ रही है, मतलब प्लस माइनस 1 से कम आ रही है, तो इसका मतलब ये, मतलब 1 से कम आ रही है और माइनस 1 से ज्यादा आ रही है, तो ये ठीक है, कंसेप्ट ठीक है। पर अगर आपने सॉल्व किया और आर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई तो आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा, लाइक इसको एक्स ऑन वाई माना, इसका मतलब ये एक्स ऑन वाई नहीं, ये कौन सी है, वाई ऑन एक्स है, मतलब वाई इधर रखना पड़ेगा, एक्स को उधर ले जाएंगे, और ये हमने वाई ऑन एक्स माना तो हमने उसका उल्टा करना पड़ेगा, मतलब ये हमारा क्या होगा, एक्स ऑन वाई होगा। तो स्टूडेंट ये थोड़ा समझने की जरूरत है, तो मैं आपको आगे समझाता हूँ, है ना, थोड़ा सा हटा के फिर मैं आपको समझाता हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक थोड़ी सी मैंने 10 की जगह 18 लिख दिया, तो प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर दें, है ना, ये 10 है यहाँ पे, है ना, तो ये हमारा क्या आएगा, 10 आएगा, तो लाइक दिस इज 10 आएगा यहाँ पे,
तो ये 400/18 आएगा, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 400 का होता है 20 और ये आएगा आपके पास 18 एड्जा, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 12 की लगभग इसकी वैल्यू आएगी, तो ये विच इज ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना, क्योंकि 144 आएगा, 144 का रूट 12 होता है, तो ये 1 से बढ़ा रहा है विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, तो थोड़ा प्लीज़ आप करेक्ट कर लें इसको। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे इसको करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने इसको x1 y लिया, इसको हम x1 y नहीं लेंगे, लाइक ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, y ऑन x होगी, और ये हमारी जो दूसरी वाली इक्वेशन होगी वो हमारी कौन सी होगी, x on y होगी, मतलब रिवर्स होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, तो लाइक अब इसकी इक्वेशन को वापस हम लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज एट x माइनस 10y माइनस प्लस 66 इज इक्वल टू 0, तो लाइक आपको y on x लिखना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10y इज इक्वल टू 8x प्लस 66 देन 8 by 10 x plus 66 by 10, है ना, तो हमारे पास जो b y x की वैल्यू आएगी वो 8 by 10 आएगी, है ना, क्योंकि y on x है तो y x लिखेंगे इसको हम, देन जो सेकेंड वाली इक्वेशन है जिसको हमने पहले y on x लिया था, अब इसको हम x on y लेंगे, तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ 40x minus 18y is equal to 214, देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे 18y is, क्योंकि हमें x on y लेना, सॉरी, सो आएगा 40x is equal to 18y प्लस 214 देन x इज इक्वल टू 18 बाय 40 बाय प्लस 214 अपॉन 40, है ना, नाउ यहाँ से हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू आएगी 18 बाय 40, देन हम r का वैल्यू लिखेंगे, तो r हमारा प्लस माइनस आता है, दैट इज 8 बाय 10 इंटू 18 बाय 40, है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू होती है लाइक 144 होगा ये डिवाइडेड बाय 400 होगा, सो 144 का जो रूट होता है वो 12 होता है और ये हमारा 20 होता है, सिंप्लीफाई करेंगे हम तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास आएगी वैल्यू 0.6 आएगी और यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको हम प्लस लेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा। देन स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये दे रखा है, एक और जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपको क्या दे रखा है वेरियंस ऑफ, आपको दे रखा है वेरियंस ऑफ एक्स दे रखा था, शायद मुझे लगता है 9 दे रखा था, और आपसे बोल रहा था यहाँ पे कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, शायद यही क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, यस यहाँ पे जो वेरियंस ऑफ एक्स दे रखा था, बिल्कुल वेरियंस ऑफ एक्स 9 दे रखा था और आपको सिग्मा वाई निकालना है, तो स्टूडेंट इन दोनों में से कोई सा भी एक पकड़ लीजिए, या तो ये या तो मैं इसको ले रहा हूँ, है ना, तो देखो आप क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकाल लें, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो आपको यहाँ पे जो बी वाई एक्स है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8 बाय 10 दे रखी है, ध्यान दीजिए आप, और बी वाई एक्स का वैल्यू होता है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला होता है स्टूडेंट, है ना, तो ये जो आर है इस आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0.6 आई, है ना, सिग्मा वाई हमें निकालना है स्टूडेंट, है ना, और सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास लाइक सिग्मा एक्स स्क्वायर 9 दे रखा है, वेरियंस है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 3 आ जाएगा, है ना, तो ये 3 आ जाएगा, देन ये आएगा 8 बाय 10, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू ये होगा 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.6, है ना, तो लाइक हम 0.6 को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल, 3 टू जा 6, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 4 आएगी, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या आएगा 4 आएगा, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। मैं फिर से बता दूं स्टूडेंट, जिस पॉइंट पर लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y और y ऑन x कट करती है वो उसका मीन होता है, तो सीधा मीन को सेटिस्फाई करा के x और y की वैल्यू निकाल दो, फर्स्ट आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। सेकंड आंसर में आपको ये पता लगाना है कि इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, उसके लिए हमें ये पता लगाना होगा कि जो रिग्रेशन हमें इक्वेशन दे रखी क्वेश्चन के अंदर उसमें x ऑन y और y ऑन x कौन सी है, तो हम पहले इसको लाइक ट्राई करके हम इसको x ऑन y लिखेंगे, उसको y on x लिखेंगे और हम r की वैल्यू निकालेंगे, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है और -1 से बड़ी है तो आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप उसको कैंसिल करें और उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस वापस करें यहाँ पे, है ना, और r की वैल्यू निकालें, देन उसके बाद ये वाला कंसेप्ट लगा के हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि अगर हमारा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y और y on x दोनों पॉजिटिव है तो r की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये दोनों नेगेटिव है तो r की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 18 आर लाइन ऑफ रिग्रेशन बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y, डिसाइड विच आर इज द लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y, एंड आपको ये पता लगाना है कौन सी x ऑन y है, और यहाँ पे आपको जब x की वैल्यू 5 है तब y की वैल्यू निकालनी है और जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो स्टूडेंट किस तरह से करेंगे इसको हम, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं लाइक वही मैंने बोला हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है आपको, है ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए लाइक जैसे ये इक्वेशन दे रखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और यहाँ मैं लिख लेता हूँ उसको 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 18। मैं सबसे पहले इसको मान लेता हूँ x ऑन y, है ना, तो लाइक क्या करता हूँ 2x इज इक्वल टू 3y उधर गया तो -3y प्लस 10, है ना, तो
x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/2y प्लस 10/2, तो आपके पास लाइक यहाँ पे बी एक्स वाई जो आएगा वो आएगा माइनस का 3/2। नाउ यहाँ पे y इधर ले लीजिए, तो 5y इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस 18, देन y इज इक्वल टू माइनस का 4/5x प्लस 18/5। तो यहाँ से आपके पास जो बी वाई एक्स की वैल्यू आएगी है ना, बी वाई एक्स क्या होगा, ये वाला है ना, माइनस का 4/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर r की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस आएगा और दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, तो माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 4/5 है ना। पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 12/10, दैट इज रूट ऑफ 1.2 विच इज ग्रेटर देन 1 और नॉट, विच इज नॉट पॉसिबल है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन होगी ये हमारी कौन सी होगी, y ऑन x होगी, और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन होगी ये हमारी क्या होगी, x ऑन y होगी। तो स्टूडेंट वापस हम इसको लिखेंगे लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ y को इधर रहने देंगे, उसको उधर ले जाएंगे, देन y इज इक्वल टू माइनस का 2/3x प्लस 10/3, और ये हमारा होगा b/x माइनस 2/3 है ना। ना यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरी वाली जो इक्वेशन है ये हमारी क्या होगी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 18 है ना, देन यहाँ पे हम x को इधर रहने देंगे तो ये आएगा 4x इज इक्वल टू माइनस का 5y/18, देन x की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 5/4y प्लस 18/4, तो यहाँ से हमारे पास आएगी b/x इज इक्वल टू माइनस का 5/4 है ना। नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, r की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्या होगी वैल्यू हमारे पास, देखो ये दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, मैंने आपको बताया था है ना, माइनस का 5/4 है ना। तो जो भी आंसर आएगा लाइक यहाँ पे आएगा हमारे पास 10/12, सिंप्लीफाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आर निकाल दे, खेरा हमें आर निकालने के लिए बोला नहीं है, हमें ये पता लगाने के लिए बोला कि कौन सी एक्स ऑन वाई और कौन सी वाई ऑन एक्स है। तो ये वाली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये हमारी कौन सी है, वाई ऑन एक्स है, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो हमारी क्या है, एक्स ऑन वाई। अब आपसे पूछ रहा है कि जब एक्स की वैल्यू 5 है तब वाई की वैल्यू निकालिए, तो मतलब वाई की वैल्यू निकालने मतलब आपको वाई ऑन एक्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 8x इज इक्वल टू 5, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस का 2/3 इंटू 5 प्लस 10/3। तो स्टूडेंट ये सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। इसी टाइप से जब हम क्या किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, जब y की वैल्यू 2 है तब x निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एक्स ऑन वाई का कंसेप्ट यूज होगा है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा एट, क्या लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2, तो जैसे y वहाँ 2 रखिए तो x इज इक्वल टू होगा, ये 2 रखेंगे आप, 2 रखेंगे तो माइनस का 10/4 प्लस 18/4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 8/4, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और आप यहाँ पे चाहें तो r की वैल्यू भी लिख सकते हैं, r की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल नहीं रखी, ठीक है, r की वैल्यू बोला भी नहीं है उसने, तो आप r की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालें तो भी चलेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब मैं आपके सामने जो आगे नेक्स्ट वीडियो लेने वाला हूँ, जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इसका जो एक फार्मूला होता है, जो लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है उनके बीच में एंगल थीटा होता है, उसका फार्मूला का प्रूफ एग्जाम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो मैं आपके सामने समझाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट मेरा जो बनाया हुआ लाइक कंटेंट है वो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और लाइक जो मैं अभी बताना चाह रहा था कि लाइव क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आप लोगों से मैंने एक पोल भी लिया था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गेट की तैयारी के लिए बोल रहे थे कि समय गेट का प्रिपरेशन कराइए, आईटी जेम वाले भी थे। सो लाइक आईटी जेम और गेट का जो सिलेबस है लगभग कॉमन ही होता है, दोनों ही आईआईटी ऑर्गेनाइज करती है, तो जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। सो मैं यहाँ पे कॉमन कंटेंट लूंगा जो आप लोगों के जो आईआईटी जेम और गेट एग्जाम या गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक जो आईएएस ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स को लेके, उनके लिए भी यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।